सोलन के धर्मपुर पर स्थित आरबी नेट उद्योग में कर्मचारियों ने हड़ताल आरंभ कर दी है। ये हड़ताल इटक के बैनर तले की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता युवा इटक के प्रदेशाध्यक्ष राहुल तनवर कर रहे हैं। कर्मचारियों ने उद्योग प्रबंधन के समक्ष कुछ मांगे रखी हैं, लेकिन उद्योग प्रबंधन उनकी मांगों को अनसुना कर रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों में बेहद रोष पनपा हुआ है। अधिक जानकारी देते हुए युवा इटक के प्रदेशाध्यक्ष राहुल तनवर ने बताया कि उद्योग प्रबंधन ने बिना किसी कारणों के 4 कर्मचारियों को उद्योग से बाहर कर दिया है, जिसके चलते सभी कर्मचारियों में बेहद रोष है और उनकी मांग है कि जब तक वे 4 कर्मचारियों को दोबारा से उद्योग में नहीं लेंगे, वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वे उग्र आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अवस्था में इटक कर्मचारियों के हितों के लिए कर्मचारियों के साथ खड़ी है और जब तक कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना जाता, तब तक कर्मचारियों के हितों के लिए उनके साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। ये आरबी नेट फैक्ट्री यहाँ धर्मपुर स्थित है काथला में, तो यहाँ पे हम कल से स्ट्राइक पे बैठे हैं। यहाँ इन्होंने बिना मतलब से 4 मजदूरों को निकाल दिया था और उनका कोई कारण भी नहीं बताया कि किस कारण से निकाला है, इसीलिए हम यहाँ कल से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगों को नहीं सुना गया है, तो ये यहाँ पे यूनियन बनाना चाहते थे, तो यूनियन बनाना तो इनका फंडामेंटल राइट है। तो जिन जिन को पदाधिकारी बनाया था, जो भी यूनियन के पदाधिकारी बने थे, उन 4 को इन्होंने फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। इन फैक्ट्री वालों को ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर आज शाम तक हमारी बातें नहीं मानी गई तो कल से फैक्ट्री में कोई काम नहीं चलेगा, और जब तक ये हमारे कर्मचारियों को अंदर नहीं लेते तब तक यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं होने दिया जाएगा। और इनके साथ भी पूरी इंटक कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और हमेशा हम इनके साथ रहेंगे और इनके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे।